नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। देखो, आज हम बात करने वाले हैं कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम, ठीक है। यानी कि कंपनी स्पेक्ट्रा किस किस कंडीशन में होना चाहिए वो बात आज हम करने वाले हैं, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं सरल आवर्त दोलक सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर के लिए चयन नियम जो हमने कल पढ़ा था, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन सी बातें हमको याद रखनी है जिसके कारण हमारे पास सरल आवर्त दोलक होगा, गति करेगा, तो वो बातें हमको आज करनी है, ठीक है। तो इसमें जो चयन नियम होता है वो पहला होता है वो है डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस वन, ठीक है। पहला चयन नियम क्या है, डेल्टा वी बराबर प्लस माइनस वन। अब ये क्या है, देखो कल मैंने अलग अलग ऊर्जा स्तर बनाए थे जहाँ पे मैंने लिखा था V बराबर 0, V बराबर 1, V बराबर 2, V बराबर 3, V बराबर 4, ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो V का अंतर होना चाहिए ना, ठीक है। देखो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जा सकता है, ठीक है, और उच्च से निम्न में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक बार कंपन के लिए जो ऊर्जा का अंतर होना चाहिए वो प्लस माइनस वन होना चाहिए, या तो यहाँ से यहाँ सिर्फ, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो वी बराबर प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्लस चिन्ह क्या है, यहाँ प्लस चिन्ह का अर्थ अवशोषण स्पेक्ट्रा के लिए है, अवशोषण स्पेक्ट्रा के लिए है, ठीक है। मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, यहां से किसी ने ऊर्जा का अवशोषण किया और अवशोषण करके बाद कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो प्लस चिन्ह का अर्थ क्या है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए है, और माइनस चिन्ह का अर्थ उत्सर्जन स्पेक्ट्रा के लिए है, ठीक है। माइनस का मतलब क्या है, देखो प्लस का मतलब क्या है यहाँ पे, कि किसी अणु ने ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण किया और निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में चला गया ऊर्जा ग्रहण करके, ठीक है। और माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ ये है कि कोई अणु ऊपर है और वहां से उसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, ऊर्जा बाहर निकाली और वो नीचे आ गया, ठीक है। तो माइनस का अर्थ ये है, क्लियर है, ठीक है। तो जब हमारे पास इस तरीके से गति होगी ना, कि मान लो v बराबर 0 से v बराबर 1 तक ही आना चाहिए, जैसे v बराबर 0 से v बराबर 1 में ही इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन होना चाहिए, जैसे यहां से यहां ही आए, एकदम से यहां नहीं जाना चाहिए, यहां से यहां ही जाए, तो वो ही हमारे पास क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, पहला चयन नियम होता है, ठीक है। अब देखो कुछ अणु ऐसे होते हैं, ध्यान देना, कुछ अणु ऐसे होते हैं, जो सरल आवर्त दोलक की भांति, नहीं करते हैं। अब आप कहोगे कैसे,
देखो सरल आवर्त दोलक के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ देखना, सरल आवर्त दोलक के लिए क्या होना चाहिए, मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। सरल आवर्त दोलक के लिए ये होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन है वो सिर्फ कहाँ से कहाँ हो, जैसे V0 से V1 में हो या V1 से V2 में हो, ये हमारे पास सरल आवर्त दोलक के लिए होना चाहिए। लेकिन कुछ अणुओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन V=0 से V=2 तक हो जाता है, V=0 से V=3 तक भी हो जाता है, ठीक है, V=0 से V=2 भी हो जाता है और V=3 भी हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो वहां पे हमारे पास ये जो चयन नियम है ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है, इसकी बात नहीं मानी जा रही है, ठीक है, कि वाती व्यवहार नहीं करते हैं। इनके लिए यह चयन नियम अमान्य हो जाता है, ठीक है, इनके लिए चयन नियम क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है, क्लियर है, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, ओवरटोन बोलते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन, इसको सेकंड ओवरटोन और इसको थर्ड ओवरटोन, ठीक है। अगर देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल V=0 से V=1 में जाता है तो इसको हम मूल बैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बैंड बोलते हैं, क्लियर है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन V=0 से V=2 में जाता है, ठीक है, तो इसको हम ओवरटोन बोलते हैं, प्रथम ओवरटोन, ओवरटोन, ठीक है। और अगर V=0 से V=3 जाता है तो इसको हम द्वितीय ओवरटोन बोलते हैं, द्वितीय ओवरटोन बोलते हैं, ठीक है, ये होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट नियम है, क्या है, फर्स्ट नियम है, ठीक है। पहला नियम V=+- होना चाहिए, है ना, तो कुछ फॉलो करते हैं और कुछ स्थिति में फॉलो नहीं होता है, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा नियम है, दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है dμ/dt, क्या, dμ/dt 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। म्यू क्या है हमारे पास, द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है, डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास कंपन हो रहे हैं, ठीक है, उसके दौरान, कंपन के दौरान द्विध्रुव आघूर्ण का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें हमारे पास क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दो
नियम है किसके लिए? कंपनी स्पेक्ट्रा के लिए। तो ये नियम हमको याद रखने हैं, ठीक है, ये नियम हमको याद रखने हैं, इन रूल्स को हमें फॉलो करना है। अगर इन रूल्स को हम फॉलो करेंगे तो हमको क्या मिल सकता है? हमको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा मिल सकता है, ठीक है, कंपनी स्पेक्ट्रा मिल सकता है। तो ये दो हमारे पास क्या हुए? चयन नियम हुए। क्या हुए बच्चों? चयन नियम हुए, ठीक है। तो इसकी बात हमको याद रखनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।